हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ग्रीन एप्पल और धनिए की मज़ेदार चटपटी चटनी। उसे बनाना बहुत ही आसान है और ये इतनी लाजवाब बनती है कि आप इसे चाट में, रोटी के साथ में, चावल के साथ में कैसे भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 ग्रीन एप्पल। आप उसका छिलका उतार कर उसको इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लीजिए। क्यूब्स में कट करने के बाद में भी इसको एक बार वॉश कर लीजिए। और मैंने यहाँ पर 2 कप धनिया इस्तेमाल किया है। आप डंठल भी इस्तेमाल कर सकते हैं धनिए की, अगर आपकी डंठल आसानी से टूट जाती है इस तरीके से। इसमें डालिए तीसरा मेन इंग्रेडिएंट, शिमला मिर्च। यहाँ पर मैंने आधी कटी हुई शिमला मिर्च इस्तेमाल करी है। और उसमें डालिए अपना एप्पल। ये याद रखिए, जब आप एप्पल कट कर रहे हैं तो बीच में जो कोर होता है ना, उसको ज़रूर निकालिए, वरना आपकी चटनी कड़वी हो जाएगी। अब इसमें डालिए 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। और इसमें डालिए 1 चम्मच सौंफ। मैंने यहाँ पर सीखी हुई सौंफ का इस्तेमाल नहीं किया है, आप नॉर्मल सौंफ भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच खड़ा जीरा और काला नमक, अपने स्वाद के अनुसार काला नमक डालिए। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाली है। और इसमें डालिए पुटानी, अगर आपके पास में पुटानी नहीं है तो आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। और इसमें डालिए हरी मिर्च, हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालिए, आपको कितना स्पाइसी बनानी है चटनी। और इसमें डालिए 1 चम्मच तेल, तेल से इसकी रंगत बहुत ही अच्छी आएगी चटनी की। और जब आप चटनी ग्राइंड करेंगे उस टाइम पर इसमें डालिए 1 लौंग, उससे सारी चीज़ों का फ्लेवर उठ कर आएगा। तो 1 या 2 लौंग चटनी में ज़रूर डालिए। और अब डालिए 1 चम्मच शुगर और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लीजिए। देखिए कितनी अच्छी चटनी बनके तैयार हुई है। और इसका कलर देखिए कितना लाजवाब आया है। क्योंकि हमने ग्रीन एप्पल इस्तेमाल करे है इसलिए इसमें नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक आइस ट्रे के अंदर चटनी को डालूंगी और इसको क्यूब्स में जमा दूंगी, जिससे क्या होगा, जब भी मुझे चटनी का इस्तेमाल करना होगा तो मैं इस तरीके से क्यूब्स निकाल कर, 1 या 2 क्यूब्स निकाल कर उसको डीफ्रॉस्ट करके इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है चटनी को स्टोर करने का फ्रीज़र के अंदर। देखिए कितनी लाजवाब चटनी बन के तैयार हुई है। आप इस चटनी को फलिहार में भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ पुतानी की जगह इसमें पीनट्स डालिए और इस चटनी को चाट के साथ में, रोटी के साथ में, चावल के साथ में किसी भी तरीके से सर्व करिए। आपकी ये चटनी बहुत ही हिट होगी और सबको बहुत पसंद आएगी। इफ़ यू लाइक माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड